नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण जानलेवा हो चुका है, लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद राजधानी भोपाल में नौजवानों की पूल और शराब पार्टियां थमने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल के कोलार थाने इलाके में एक मैरिज हाउस के भीतर बने स्विमिंग पूल में एक शराब पार्टी चल रही थी और इसी दौरान पुलिस ने यहां छापामार कार्रवाई कर दी। पुलिस ने यहां से 11 युवकों और 5 लड़कियों को पकड़ा है। यहां से शराब की बोतलें भी बरामद कर दी गई हैं। पकड़े गए युवाओं को फिर पुलिस ने थाने तक पैदल परेड कराई। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन फील्ड बिला मैरिज गार्डन में पुलिस ने दबिश देकर शराब के नशे में 11 युवकों और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक लड़की ने उन्हीं से पूछा कि आप हो कौन, किस बात की परमिशन। इस पर पुलिस ने कहा आप लाइन में खड़े हो जाओ, सब पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गीले कपड़ों में पुलिस थाने तक की परेड कराई। भोपाल में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के तहत रात 10 बजे तक होटल दुकान समेत कुछ व्यापारियों को छूट दी गई है। शराब पार्टी पर यह कार्रवाई कोलार पुलिस ने रात 11 बजे के बाद की। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ शासकीय आदेश का उल्लंघन और आबकारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। इससे पहले भी भोपाल पुलिस शाहपुरा और बैरागढ़ में भी पार्टी करते हुए लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। कोलार टीआई सुधीर अर्जरिया ने बताया कि सोमवार रात ग्रीन फील्ड बिला मैरिज गार्डन में पार्टी की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सभी को रूटीन चेकिंग कहते हुए रोक लिया। होटल की तलाशी लेने पर वहां से शराब की बोतलें मिली। युवक और युवतियों समेत कई लोग यहां शराब पीते नजर आए। पुलिस ने यहां पकड़े गए 11 युवकों और 5 युवतियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राप्त हुई थी कि जो गेहूंकेड़ा में ग्रीन फील्ड होटल है, इसमें कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहाँ पार्टी कर रहे हैं और शराब वहाँ पर पी जा रही है। इस सूचना पर हमने अपने महिला अधिकारियों के साथ में एक टीम को रवाना किया था, जो इस होटल में कुल 11 लड़के और कुछ युवतियाँ वहाँ पर पार्टी करते हुए शराब का सेवन करते हुए मिले हैं। इन लोगों के विरुद्ध धारा 188 जो कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने की और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।